हेलो दोस्तों, दिस इज अनुज शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों शुरू करने से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज की ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में भी, तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ। ये जो थ्योरी है ये दी थी जॉन ऑस्टिन ने, और जो जॉन ऑस्टिन है वो थे एक इंग्लिश जूरिस्ट। इनका जन्म हुआ था 3 मार्च 1790 को यूनाइटेड किंगडम में, और जो इनकी मृत्यु है वो हुई थी 1 दिसंबर 1859 को। तो जॉन ऑस्टिन है ये एनालिटिकल स्कूल के फादर भी कहलाते हैं, साथ ही साथ ही इंग्लिश ज्यूरिसप्रूडेंस के भी फादर कहलाते हैं। द इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ वॉज प्रोपाउंडेड बाय जॉन ऑस्टिन, दस दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ लॉ। ये जो थ्योरी है ये ऑस्टिन के द्वारा दी गई है, इसलिए इसको ऑस्टिनियन थ्योरी ऑफ लॉ भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ऑस्टिन अपनी थ्योरी के अंदर क्या कहते हैं। द लॉ इज द कमांड ऑफ द सोवरन इम्पोजिंग ड्यूटी विच इज इन्फोर्सेबल बाय सैंक्शन। ये कहते हैं कि जो लॉ है वो सोवरन की एक कमांड है, वो संप्रभु की एक कमांड है जिसमें सैंक्शन शामिल है, जो ड्यूटी इम्पोज करता है जो कि इन्फोर्सेबल है सैंक्शन के द्वारा, विच इज इन्फोर्सेबल बाय सैंक्शन। या फिर लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन विच ओब्लाइजेज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन टू अ कोर्स ऑफ कंडक्ट। लॉ एक कमांड है सोवरन की जो लोगों को बाध्य करता है या फिर लोगों के ग्रुप को बाध्य करता है किसी काम को करने के लिए। इन अदर वर्ड्स द लॉ हैज अ सोवरन अथॉरिटी एंड देयर कैन बी नो लॉ विदाउट सोवरन। जो लॉ है, जो कानून है, वो सोवरन एक सोवरन की अथॉरिटी है और विदाउट सोवरन कोई भी लॉ मान्य नहीं है। आगे लिखते हैं, ऑस्टिन डिफाइंड लॉ एज अ रूल लेड डाउन फॉर द गाइडेंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बींग बाय एन इंटेलिजेंट बींग हैविंग पावर ओवर देम। उनका मानना है कि जो ये नियम है ये एक समझदार मनुष्य के मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है, समझदार मनुष्य द्वारा ही जिसकी सामने वाले के ऊपर पावर है, जैसे कि राजा की पावर होती है अपनी प्रजा के ऊपर। तो राजा ने कुछ कानून बनाया अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, उनके भले के लिए। दोस्तों जो ऑस्टिन है इसने लॉ को क्लासीफाई किया है दो पार्ट्स में, पहला लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, दूसरा है लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है इसको भी आगे फर्दर दो पार्ट्स में बांटा है, लॉ ऑफ गॉड और ह्यूमन लॉ। इसके बाद ह्यूमन लॉ जो है उसको भी आगे दो पार्ट्स में बांटा है, पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। साथ ही जो लॉज इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, लॉ बाय एनालॉजी एंड लॉ बाय मेटाफोर। जैसे कि पीछे देखा था जो फर्स्ट था वो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड। तो क्या है ये लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड? अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन प्रॉपर लॉ और लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड मीन्स पॉजिटिव लॉ which is the aggregate of rules set by man as politically superior to man as politically inferior subjects। जो कानून है वो politically superior के द्वारा बनाया जाता है, वो set किया जाता है किसके लिए? जो politically inferior लोग हैं उनके लिए, मतलब कि ऊंचे level का जो इंसान है, मतलब जैसे कि राजा है उसने नीचे level के लोगों के लिए कोई कानून बनाया है। इसको further दो parts में बांटा है, पहला था law of God। law of God जो होते हैं वे सभी कानून होते हैं जो गॉड के द्वारा बनाए गए हैं मनुष्य के लिए, और दूसरा जो था वो था ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ वे सभी कानून जो कि मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं मनुष्य के लिए, इनको मैन मेड लॉज भी कहा जाता है। ह्यूमन लॉ को भी फर्दर दो पार्ट्स में बांटा है, पहला है पॉजिटिव लॉ, दूसरा है पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव लॉ होते हैं ये वे सभी कानून जो कि सेट किए जाते हैं मैन टू मैन एज पॉलिटिकल सुपीरियर और बाय मैन एक्टिंग इन परसेंस ऑफ लीगल राइट कन्फर्ड बाय सच सुपीरियर, जो कि पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा सेट किए जाते हैं या फिर उनके बिहाफ पे किसी और के द्वारा जिनको उन्होंने लीगल राइट ट्रांसफर की हो इस काम को करने के लिए। और पॉजिटिव मोरालिटी इट मींस दैट लॉ सेट बाय मैन नॉट एज पॉलिटिकल सुपीरियर, वे सभी कानून जो पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा नहीं सेट किए जाते, ही सेड इट इज नॉट अ प्रॉपर लॉ, और ऑस्टिन ने इनको प्रॉपर लॉ नहीं माना है, लेकिन इट इज अ लॉ बाय एनालॉजी। इसके बाद था लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। ऑस्टिन डिस्क्राइब करते हैं ये वे सभी कानून है, ये है मोरल्स एंड अदर लॉज। जो मोरल्स और अदर लॉज हैं उनको लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड माना गया है ऑस्टिन के द्वारा, और इनको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है लॉ बाय एनालॉजी और इसके अंदर आते हैं लॉ ऑफ फैशन सेंटीमेंट्स एंड ओपिनियंस। जो इनसे जुड़े कानून हैं वे सभी लॉ बाय एनालॉजी के अंदर आते हैं। और सेकेंड है लॉ बाय मेटाफोर, इनके अंदर आते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटी, प्लांट और एनिमल ग्रोथ लॉज। दोस्तों पीछे भी देखा था पॉजिटिव लॉ, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन पॉजिटिव लॉज आर दोज विच आर सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर और बाय प्राइवेट पर्सन इन परसुएंस ऑफ लीगल राइट। वे सभी कानून जो पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा सेट किए जाते हैं या फिर एक प्राइवेट पर्सन के द्वारा जिनको कि लीगल राइट ट्रांसफर किए गए हों इस काम को करने के लिए। ऑस्टिन आगे लिखते हैं कि दैट
लॉ एंड जस्टिस आर डिफरेंट, उन्होंने लॉ और जस्टिस को अलग अलग माना है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ इज ओनली बेस्ड ऑन द पावर ऑफ सोवरन, और जो लॉ की इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ सोवरन की पावर के ऊपर बेस्ड है। एंड फर्दर ही सेज वी नेवर कंसर्न विद द गुडनेस एंड बैडनेस ऑफ लॉ, उनका मानना है कि हम लॉ की अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में नहीं देखते, लॉ की अच्छाइयों और बुराइयों को नहीं देखते, बिकॉज वी नीड टू सी दिस एज इट इज, क्योंकि हमें इसको जैसा है वैसा ही देखना है। मीन्स वी हैव टू सी दिस एज वट इट इज इन प्रेजेंट, नॉर वट ऑट टू बी, क्योंकि हमें इसको सिर्फ ऐसा देखना है जैसे कि ये प्रेजेंट में मौजूद है, ना कि इसको कैसा होना चाहिए। ये होता है पॉजिटिव लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। दोस्तों इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंपेरेटिव थ्योरी। इसमें जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताया गया है, एवरी लॉ इज अ टाइप ऑफ कमांड। ऑस्टिन के अकॉर्डिंग हर एक लॉ एक तरीके की कमांड है। सोवरन इज द सोर्स ऑफ लॉ, वो मानते हैं कि सोवरन ही लॉ का सोर्स है। ऑल द लॉज आर बेस्ड ऑन सोवरन्स कमांड, जो सभी कानून हैं वो सोवरन की कमांड के ऊपर ही बेस्ड हैं। पावर ऑफ सोवरन इज इंडिविजिबल, इस थ्योरी के अंदर जो सोवरन की पावर है वो इंडिविजिबल बताई गई है। दोस्तों इस थ्योरी में कुछ एलिमेंट्स भी शामिल हैं, जैसे कि पहला है सोवरन। सोवरन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन सोवरन इज अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन हु हैज सुप्रीम पावर ऑफ स्टेट एंड सोवरन शुड हैव टू क्वालिटीज। ऑस्टिन का मानना है कि जो सोवरन है एक ऐसा व्यक्ति है या ऐसी संस्था है जिसकी किसी राज्य के अंदर सुप्रीम पावर है, मतलब सबसे ज्यादा पावर उसी के पास है राज्य के अंदर। और उनका मानना है कि ऐसे सोवरन के पास दो क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली पॉजिटिव क्वालिटी। पॉजिटिव क्वालिटी के अंदर बताया है कि अकॉर्डिंग टू दिस सोवरन शुड बी अ पर्सन लाइक हुज कमांड इज ओबेड लाइक इट इज इन द नेचर ऑफ द पीपल्स। सोवरन एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी कमांड को लोग इस तरीके से माने जैसे कि ये उनके नेचर में शामिल है, एंड दे आर बाउंड टू ओबे द कमांड, और वे सभी लोग बाध्य हैं उसकी कमांड को मानने के लिए। दूसरी क्वालिटी है नेगेटिव क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू दिस नन अदर देन सोवरन शुड बी अ कमांड गिवर। नेगेटिव क्वालिटी के अंदर बताया गया है कि सोवरन के अलावा कोई और दूसरा कमांड गिवर नहीं होना चाहिए, एंड हिज पावर शुड बी इंडिविजिबल स्टडी एंड अनलिमिटेड, और जो उसकी पावर है वो अविभाज्य स्थिर और असीमित होनी चाहिए। इसके बाद एलिमेंट आता है कमांड। कमांड इज एन एक्सप्रेशन विच हैज लॉ और फॉर्म ऑफ ऑर्डर इशूड बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर टू एन इन्फीरियर दैट वन शैल डू और फॉरबियर फ्रॉम डूइंग। लो एक तरीके का एक्सप्रेशन है, एक तरीके का ऑर्डर है जो कि दिया जाता है पॉलिटिकल सुपीरियर के द्वारा किसी इन्फीरियर को, और जो इन्फीरियर है या तो वो उसको मानेगा या फिर उससे डरेगा। तो जो ऑस्टिन है उसने दो तरीके की कमांड बताई है, पहली है जनरल कमांड, दूसरी पर्टिकुलर कमांड। जो जनरल कमांड है उसमें उन्होंने बताया कि विच आर इश्यूड फॉर द गाइडेंस ऑफ अ होल कम्युनिटी आर नोन एज जनरल कमांड। जो जनरल कमांड है वो किसी होल कम्युनिटी के लिए इशू की जाती है, एंड दीज कमांड मस्ट ऑल्सो बी कॉन्टिन्यूस एंड लॉफुल। जो दूसरी कमांड है वो बताई है पर्टिकुलर कमांड, और पर्टिकुलर कमांड आर इश्यूड फॉर द गाइडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी और इंडिविजुअल, जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर इंडिविजुअल के लिए इशू की जाती हैं। दोस्तों हमने पीछे भी पढ़ी थी डेफिनेशन एक कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरन विच ओब्लाइजेज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन टू अ कोर्स ऑफ कंडक्ट। कि जो लॉ है वो एक सोवरन की कमांड है जो कि लोगों को या उन ग्रुप ऑफ पर्सन को बाध्य करती है किसी काम को करने के लिए। लेकिन ऑस्टिन ने साथ ही साथ इस डेफिनेशन की तीन एग्जम्पशंस भी बताई हैं, तीन ऐसे कानून बताए हैं जो कि एग्जम्प्टेड हैं इस डेफिनेशन से। जो पहला लॉ है उसके अंदर इन्होंने बताया है कि दीज लॉज आर नॉट कमांड बिकॉज दे आर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये कानून कमांड नहीं है क्योंकि ये पहले से ही मौजूद हैं, एंड आर पास्ड ओनली टू एक्सप्लेन द लॉ विच इज ऑलरेडी इन फोर्स। और इनको पास किया जाता है उन कानून को एक्सप्लेन करने के लिए जो कि पहले से ही मौजूद हैं। सेकंड जो एग्जम्पशन है वो है लॉ ऑफ रिपील्स। दीज लॉज आर द रिवोकेशन ऑफ अ कमांड। जो ये लॉज हैं ये रिवोकेशन ऑफ अ कमांड है, इसलिए इनको कमांड ट्रीट नहीं किया जा सकता। लॉज ऑफ इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन थ्योरी लॉ मस्ट बी अकम्पेन्ड बाई ड्यूटी एंड सेक्शन फॉर इट्स इन्फोर्समेंट। ऑस्टिन का मानना है कि किसी भी कानून को मनवाने के लिए सैंक्शन का होना बहुत जरूरी है, बट देयर इज नो सैंक्शन अटैच टू ड्यूटी, इसलिए इस तरीके के लोग को भी कमांड ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसके बाद जो एलिमेंट आता है वो आता है सैंक्शन। सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन मीन्स पेनल्टी। सैंक्शन का मतलब है पेनल्टी। इफ लॉ इज नॉट ओबेड
अगर कानून की अवमानना की जाती है तो देर इज अ फियर ऑफ पनिशमेंट, तो पनिशमेंट का डर रहता है। इट इज द सोल ऑफ पॉजिटिव लॉ। इसके आगे है ड्यूटी। ड्यूटी होता है लॉ इज टू बी ओबेड बाय पर्सन टू होम द ऑर्डर इज गिवन हैज अ लीगल ड्यूटी टू ओबे इट। जो लॉ है वो मानना है उस पर्सन को जिसको ऑर्डर दिया जाता है लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, और अगर वह इसकी अवमानना करता है तो उसको पनिश किया जाता है। दोस्तों साथ ही साथ इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं इस थ्योरी के, बहुत सारे ऐसे जुरिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है। चलिए देख लेते हैं किस किस ने क्या क्या कहा है। जो पहला क्रिटिसिज्म है, जो पहला क्रिटिसाइज किया है वो क्या किया है, सोवरन इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ। पहले क्रिटिसिज्म में कहा गया है कि सोवरन इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ लॉ, सोवरन अकेला सोर्स ऑफ लॉ नहीं है, इसके अलावा और भी सोर्स ऑफ लॉ हो सकते हैं जैसे कि कस्टम, यूजेस, रिलीजियस। लॉ इज ओल्डर देन स्टेट। जो लॉ है वो स्टेट से भी पहले से मौजूद है, मतलब कि सोवरेनिटी के टाइम से भी पहले से कानून चलता आ रहा है, जैसे कि रीति रिवाज हो गए वो भी एक तरीके के कानून है, लोग उनको बहुत पहले समय से मानते चले आ रहे हैं। ऑल कमांड्स ऑफ द सोवरन इज नॉट लॉज, सोवरन की सभी कमांड्स को लॉज नहीं माना जा सकता। इसमें चौथा है जज मेड रूल्स इग्नोर्ड, जो जज के द्वारा बनाए गए कानून हैं उसको ये थ्योरी इग्नोर करती है। थ्योरी इग्नोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये थ्योरी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को भी इग्नोर करती है। सोवरन नॉट बाउंड बाय ड्यूटी, इस थ्योरी के अंदर जो सोवरन है वो ड्यूटी मतलब नॉट बाउंड बाय ड्यूटी है, मतलब उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती अपने लोगों की तरफ। और इससे अगला है सैंक्शन अलोन इज नॉट अ मीन्स टू इम्पोज ड्यूटी, किसी काम को करवाने के लिए सैंक्शन एक अकेला ही एकमात्र साधन नहीं है, इसके अलावा भी और भी तरीके हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि व्हाट इज द प्लेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन थ्योरी ऑफ लॉ इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में ऑस्टिन की जो ये थ्योरी है इसका क्या स्थान है। ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ डज नॉट फिट इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, इसकी जो ये थ्योरी है ये आज के मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में फिट नहीं बैठती है, जिनका अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि एनी एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी एक्ट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है उसको सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर सकती है। दस द सोवरेनिटी विच अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन इज अनलिमिटेड बिकम्स लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए जो सोवरन की पावर है जो ऑस्टिन के द्वारा अनलिमिटेड बताई गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद लिमिटेड रह जाती है। ऑस्टिन स्ट्रेस अपॉन द फैक्ट एज टू व्हाट द लॉ इज रेदर देन व्हाट इट ऑट टू बी। ऑस्टिन सिर्फ इसी बात पे जोर देते हैं कि जो कानून है जैसा है हमें उसको वैसा देखना है, ना कि इसको कैसा होना चाहिए। द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक स्टेट्स मेक द लॉ कीपिंग इन व्यू द वेलफेयर एंड कन्वीनियंसेस ऑफ देयर सिटीजन, जबकि आज का जो प्रेजेंट डेमोक्रेटिक स्टेट है उसमें लोगों के वेलफेयर और उनके कन्वीनियंसेस को ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाया जाता है। बिकॉज द पब्लिक कैन नॉट टॉलरेट अ डिक्टेटर कॉन्टिन्यूसली फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो पब्लिक है वो ज़्यादा दिनों तक एक तानाशाह को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिंस इन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देर इज अ डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। दोस्तों जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो स्टेट और सेंटर है उसकी अपनी अपनी अलग अलग पावर्स होती हैं। हैंस द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी इंडिविजिबल, जो इसलिए जो सोवरन है जो उसकी पावर इंडिविजिबल थी इसके बाद वो इंडिविजिबल नहीं रह जाती है। तो जो इसका कंक्लूजन निकल के आता है इस थ्योरी का वो आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शन इट कैन फेयरली बी सेड दैट ऑस्टिन डेफिनेशन ऑफ लॉ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फुली, इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है इस थ्योरी को। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।